अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सऊद बलोच है और मैं ईरान के सिटी चाबहार में रहता हूँ। एक इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हूँ और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ और यूट्यूब पे शायद आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तो आज की ये वीडियो जो है वो एक ही कारोबारी आइडिया के हवाले से है जो उस कारोबारी आइडिया का बिल्कुल सीज़न है और काफ़ी लोग मुझसे मशवरा करते हैं व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हम पाकिस्तान से ईरान लेके आए और उस पर अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं वक्फल जो है वो वीडियोज़ वगैरह बनाते रहता हूँ, उन प्रोडक्ट्स के हवाले से बताते रहता हूँ कि वो चीज़ें आप पाकिस्तान ईरान लेके आ सकते हैं और उसके ऊपर किस मार्जिन से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो आइडिया के बारे में, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में। और ये जो प्रोडक्ट है आई थिंक कि पाकिस्तान का सबसे टॉप एक्सपोर्ट जो है वो प्रोडक्ट है चावल के बाद, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है और ये भी एग्रीकल्चर ही प्रोडक्ट है। तो वीडियो प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये मैंगोज़ है, आम है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे भी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि अभी इस सीज़न में वो कौन सी प्रोडक्ट है जो हम लेके आए ईरान और अच्छे मार्जिन पे जो है वो गेन करें प्रॉफिट। ईरान को आप लोगों को पता है कि आम पैदावार नहीं करता वो बहुत ज़्यादा, आम पैदा होता है यहाँ पे लेकिन उस पैमाने पे नहीं होता और उस जायके से नहीं होता है। जो जायका, जो क्वालिटी पाकिस्तान के आमों की, एक तो इंडिया की और एक पाकिस्तान की, इंडिया के आम भी यहाँ आते रहते हैं लेकिन पाकिस्तान चूँकि ईरान से बहुत ही नज़दीक है, दोनों के बॉर्डर मिलते हैं, तो एक्सपोर्ट कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती। जो सप्लाई होती है बॉर्डर से पाकिस्तान से ईरान जो आम आता है तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती बाकी जो है। इसीलिए पाकिस्तान का जो आम है वो ईरान में बहुत बड़े पैमाने पे सेल होता है और बड़े अच्छे प्राइस पे सेल होता है, तिगली प्राइस पे सेल होता है ईरान के। लास्ट टाइम पिछले साल जो मैंने आपके हवाले से, मैंगोस के हवाले से काम किया था तो आई गेस के उसकी प्राइस मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है लेकिन पाकिस्तान की प्राइस से तिगली प्राइस थी, क्योंकि एक आम था सिंदड़ी और एक चौंसा आई गेस के पंजाब से आता है, ये आम जो है वो पंजाब से आता है, सिंदड़ी शायद मेरे ख्याल से सिंध से आता है लेकिन पंजाब से बड़े पैमाने पर आम वगैरह यहाँ पर सप्लाई हुई थी, बॉर्डर पर थे और बॉर्डर से मैंने क्लियर करवा के ईरान के जो सिटीज़ होते हैं, तेहरान है, मशहद है, शिराज है, क्योंकि इन इलाकों में आम वगैरह नहीं होते और आम को बहुत पसंद किया जाता है। ईरान के जो लोग हैं वो आम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आम का सीज़न ज़्यादा होता ही नहीं है, तीन से चार महीने का होता है और 3 से 4 महीने के बाद इसकी सप्लाई लाइन वैसे ही बंद हो जाती है। तो अभी इसकी बेहतरीन सीज़न है और पाकिस्तान के अंदर जो आम के सप्लायर हैं वो अच्छे प्रॉफिट के साथ ईरान में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है और तुम उनसे रابطہ करें इंशाल्लाह। मैं इसकी पूरी, मेरे पास पूरा सप्लाई चेन मौजूद है ईरान के अंदर और मैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ में सप्लाई करते रहता हूँ आम वगैरह। तो अच्छे क्वालिटी के आम होने चाहिए। जो सिंदड़ी है, चौंसा है, मुझे दोनों के नाम तो याद है क्योंकि दोनों आम बड़े पैमाने पर सप्लाई हुए थे पिछले साल। तो चौंसा और सिंदड़ी अच्छे क्वालिटी के जिसके भी पास है, क्योंकि यहाँ के लोग क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो क्वालिटी के हवाले से प्लीज़, काफ़ी इम्पोर्टर लास्ट टाइम थे जो उन लोगों ने अच्छी क्वालिटी के आम नहीं भेजे थे और बॉर्डर से उनके कंटेनर दोबारा रिटर्न हो गए थे उस तरफ, पाकिस्तान की तरफ, और उन लोग को नुकसान हो गया था। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर ऐसे थे जिनकी तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 कंटेनर क्लियर होके जाते थे तेहरान और मशहद और मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, तो बड़े पैमाने पे उन लोगों ने प्रॉफिट वगैरह गेन किया था। तो प्लीज़ क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ की नहीं कीजिएगा। आम जो अच्छे क्वालिटी के हैं, जो आप लोग जो एक्सपोर्टर होते हैं वो मिडल ईस्ट में भेजते हैं, सऊदी अरब, यूएई, दुबई वगैरह में भेजते हैं, तो यहीं पे भेजिएगा क्योंकि ये लोग वही क्वालिटी पसंद करते हैं। तो ये मेरी वीडियो उन्हीं हजरात के लिए है जो आम के एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान में, तो ख़ास कर ये वीडियो उन के लिए है और जो लोग काम भी करना चाहते हैं आम के हवाले से तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरी स्क्रीन पे आ गया होगा, तो रابطہ कीजिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आप के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वगैरह इंशाल्लाह आपको मुहैया करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो रही होगी और ऐसी वीडियोस और ऐसे और प्रोडक्ट वगैरह जो पाकिस्तान के या ईरान के, लेकिन ज़्यादातर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ईरान से पाकिस्तान चीज़ें वगैरह,
ऐसा एक्सपोर्टर जिसको ईरान से पाकिस्तान चीज़ें ज़रूरत है, या ऐसा कोई एक्सपोर्टर पाकिस्तान के अंदर है जो अपनी प्रोडक्ट्स ईरान में सेल करना चाहता है, तो मुझसे रब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।